Thank you.
Hello.
हमिया कक्सा तंत्र दिल्ली पर फाइनल पास हाई तंत्र
ले बोलि छन चबा खाइले खाइ भने अ चबा खाइबो खाइ आदे काखुर कुखुर कुन वान डायरेक्शन गिरि डायरेक्शन अ दिल्ली था इंडियन कैपिटल अ जगह चिनि बो अधिकार तबो तिपरा थानी बो अधिकार तबो अरजुंग आंदोलन एक बार खाइले एक बार एम केटा दिबले साल फाटेस हो जाय काते तिपरा राज्य मा तबंग मा पेतो मातो महाचुना अर पर खाइले बर चेष्टा खाइ तबो डिवाइड एंड रूल खाइले बोलि चेष्टा खाइ तबो क्लास 6 7 पढ़ने चले वो साइमनो तब डिवाइड एंड रूल एन डिवाइड खेलने दे पड़े जमा दिया कोलो देवरमा हने डिवाइड खेलने दे अब काम के साइमगा जिने टिपरा मथा दाई कुरस बजना जत दिन जिने पंग तंग नाय जत दिन टिपरा मथा का तंग नाय जिने प्रसाद खानसा मा तंग नाय खानसा तंग नाय हम सुख को कब बंदर के आनी अ और मत छिनाय केदा टिपरा आयो लखो लीडर्स यहाँ में आए हैं, आप लोग इतना करके त्रिपुरा से दिल्ली आए हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ लास्ट जंतर मंतर में पूरा इंडिया में जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुकुम बारा को छोड़ के आज हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। मैं आज बात करूंगा, मुझे कल बात करना है, आप सबसे बात करना है, मीडिया से बात करना है, नेशनल से बात करना है, लेकिन आज प्रोग्राम शुरू हो रहा है इसके लिए मैं थोड़ा सा दो तीन बात आपको कहना चाहता हूं। यहां में हम लोग दिल्ली आए हैं दिल्ली को बताने के लिए कि एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, उस त्रिपुरा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन पानी पोसा जो भूमि पोसा है, आज हम अपना अधिकार के लिए, अपना राइट्स के लिए, अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं, अपना कम्युनिटी आगे बढ़ाने के लिए, अपना भविष्य के लिए फाइट कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से जो भी कोई आता है दिल्ली तो वो शायद उग्रपंथी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो देश के खिलाफ होगा। नहीं, त्रिपुरा सा हिंदुस्तान का देश नहीं है, हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो सरकार हो, आज बीजेपी का है, कल कांग्रेस का था, परसों कोई और भी हो, आपको त्रिपुरा सा के बारे सोचना पड़ेगा, हमारा भविष्य के बारे आपको सोचना पड़ेगा। मेरे बाद बहुत स्पीकर्स लोग बात करेंगे, मैं कल आपसे लास्ट में बात करूंगा, उस एक अच्छा लंबा से आपको एक भाषण दूंगा। आज सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं सब दो बात बोलना चाहता हूं कि त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा सा तोफा मच जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अपने त्रिपुरा सा के साथ नहीं करेगा। एक साल पहले जब हमने वहां सब लोगों ने बोला था, अरे त्रिपुरा मोथा इलेक्शन के पहले अलायंस करके डिमांड,
लेकिन दो महीना बाकी है और आज हम लोग फिर से दिल्ली हैं डिमांड करने के लिए। तो जो लोग ने बोला कि हम लोग अलायंस करेंगे, पीपल लैंड को हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, आज मैं उनको बोलना चाहता हूं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक साल हो गया है, हमने ना किसी से किया है, हमने ना किसी से बात किया है, इलेक्शन दो महीना बाकी है, आज आपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड राइटिंग में नहीं दिया, तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको जो भी लिखना है उसे लिख लो, लेकिन प्रद्योत माणिक्य पिपरा मोथा पिपरा सा, आप अपना पिता को बेवकूफ बनाकर अपना राजनीति नहीं करेगा। 70 साल से हम लोग नीचे रहे हैं, 70 साल से हमको नीचे रखा गया है, हमारे में आज पानी का प्रॉब्लम है, राशन का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिलता है, आज अगर तिपरासा को कुछ करना है बाहर जाना पड़ता है, आज हम अपने ही जमीन में अपने ही हाले में आज हम लोग भिखारी बन के रहे हैं, लेकिन तिपरासा लोग अगर अपना थन सा रखता है, अगर आप लोग एकता रखता है, अगर आप लोग यूनिटी रखता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आने वाले दो अंदर पूरा इंडिया दिल्ली आप हमारा बात सुन लो, न्यू दिल्ली कैपिटल राजधानी आप मेरा बात लिख के सुन लो, राइटिंग में सुन लो, इस तिपरासा लोग अपना जवाब देगा और ये जवाब पूरा इंडिया सुनेगा। आप लोग रेडी है कि नहीं? रेडी है कि नहीं? अगर आप लोग रेडी है, आपका थमसा है, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, लाओ सबसे बड़ा हथियार को लेके आओ, क्या है उनके पास? उनके पास मेरे पास भाषा है, उनके पास हमारे पास, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, कल मैं फिर से बात करूंगा, अब बहुत सीरियस लोग बात करेंगे, मैं आपको सबको निवेदन करता हूं, डिसिप्लिन रहो, सब लोग पिपरासा को देख रहा है, सब लोग हम देख रहा है, और सब लोग को जानना भी चाहिए कि हम लोग का डिसिप्लिन है, हम लोग से आया है, छुट्टा से आया है, गुंबारा है, हिम्मत है, गरीब है, लेकिन ताकत आज भी हमारे अंदर है। कल मैं किसी मन से अपना हम लोग अपना मेमोरेंडम भेजेंगे, किसी नेता से नहीं मिलेंगे जब तक नेता राइटिंग में हमको लिख के नहीं देता है कि वो ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे हमारे करे, जब तक वो लोग हमको लिख के नहीं देता है हम किसी से मिलेंगे, ना कांग्रेस से, ना सीएम से, ना बीजेपी से, ना तृणमूल से, हम लोग अकेला अपना बलबूते में तैयार है। लॉन्ग लिस्ट बोलने से नहीं होगा, दफा लॉन्ग लिस्ट बोलो, सर्वाइवल रेजिस्टेंस का फाइट है, ये फाइट अब हमारा नहीं है, ये फाइट मंत्री लोग, नेता लोग और एमएलए का फाइट नहीं है, ये जो फाइट है ना, ये आपका घर में, आपका कमी में, आपका बच्चा के लिए फाइट है, आपका भविष्य का फाइट है, ये फाइट तो नेता को मंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये फाइट नहीं है, ये फाइट एमपी बनने के लिए नहीं है, तिपरासा को जस्टिस देने के लिए है, और जब तक बुबागरा आपके साथ है और आपका प्यार बुबागरा के साथ है, बुबागरा को कोई हिला नहीं सकता, तिपरासा को कोई हरा नहीं सकता। पहला चाहे ना हम भाई, आई अपील टू ऑल द लीडर्स टू कम एंड हैव अ वर्ड, बात कीजिए, आप लोग सुनिए, रात को हम लोग एक संग खाना भी खाएंगे, एक संग बैठता है, एक संग बात करता है, वही परिवार आगे बढ़ता है। बेलाई नो हम भाई खुलूंगा, हमारे थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल स्पीच, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट व्हाट वी आर हियर टू डू, बट दिस इज फॉर दिस ऑफ इंडिजिनस, पहले पहले क्या हम भाई
मैंने क्या हमारे तापुच ने कैसा ब्रू जैसी ने रिया रोग ने इश्यू ना तो इस तापुच के लिए तो भरना है आई अपील टू एवरीवन एंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर हियर टू काइंडली हैव अ लुक सच अ ब्यूटीफुल क्लिप ऑफ द ब्रू इश्यू तब का कोई नहीं अपन हिंदी बाकी सब of the black people. Why we the two black people came here today from far foreign area people state. We know we have no other option rather than to come get out to go and separate state for the survival of the black people indigenous people of the black Khadari Takarok Balmain Singh Thamjake Singh Khabai Kha Singh Singh Fight Ma Khai Nai Sen lorai makai touching of discipline that discipline is very important to get our demands whatever we are demanding for our action and discipline is a very important thing my dear brother and sister apun bale bhogani kokho bole ni we shall overcome one day we shall overcome one day amai khabele to नो खिबिया वो जों खयनाय जेने अनबले एमएसए फंसर पर खाय बे कम लागनो बागे फानि जनो पाल खाय आफनायनो हमारे बीच अपने बात रखने के लिए आ रहे हैं सम्मानित डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर श्री हंसा कुमार तिवारी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि हम सब की ऊर्जा को अपने दूरिया देख करके आए हुए हमारे सभी वाले सर को मैं निमंत्रित करता हूं कि आप अपने बातों से इनको उजागर करें पहले कि हम भाई जो तो तुम भाई का पांच मिनट नहीं बसिंग हो अति संक्षिप्त आकर आलोचना खाए मैंने चेष्टा कराई है तो सही मानो आम दीर्घ दिन बीजेपी पूरा 13 साल बीजेपी में काम किया 13 साल का 2018 असेंबली निर्वाचन में सारा जनजाति के लिए मैं जनजाति क्षेत्र में बीजेपी का एवं प्रयास किया गत निर्वाचन जे चीनी पूर्व दीर्घ दिन चीनी राजा शासन जो संख्या गरिष्ठता टंगनी संख्या गरिष्ठता टंगनी पर त्रिपुरा एक सौ चौरासी जन राजा वंश संख्यालघु एवं संख्यालघु प्रसारक तगत रेखा चीनी भविष्य चीनी थीना चीनी बगुकार एक जरा फाइ दंग समय फाइ दंग अमन बगुई चीनी क्वेश्चन चीनी प्रश्न जदि बोलंगनी जे पशु जंतुरा रक्षा खाइना बाबू जदि बन सृजन खाइमा कहिके
চিনির তীব্রতা রংজে আজ যেটা চিনি যে জীবন রক্ষানি থাকিতে জীবন রক্ষায় নাই বাগই সং গ্রেটার ত্রিপুরা লেন সানানি চিনি কোন অবদয়া চিনি অসাংবিধানিক চিনি মান থাই চিনি তীব্রতা রং সং রক্ষা খাইনানি বাগই অবই তিনি ত্রিপুরানি বিভিন্ন জাগানি তুরইত তই বিঘাত তই চিনি ত্রিপুরা সং রাজনৈতিক ভাবে বঞ্চনা অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চনা শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য বিভিন্ন অবশ্যই মান নাই ইলেকশন মহিলাদের উন্নতি অগ্রগতি স্বসহায়ক দল এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মা বোনদের প্রয়োজন সবার উন্নয়ন ঘরে হবে সুশাসন আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে হচ্ছে বিকাশ বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন পিন কার্ড আধার কার্ড কিংবা বিধবা ভাতা পানি জানা এখনো পাইবেন সবই হেতা পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে তাহার জায়গায় দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন শুনি শুনি সুখী জয়
নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান উদ্দেশ্যে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বৈদ গত ২০২১-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, ১২৪ আসনযুক্ত পরীক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। দিন বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া, যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন, আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। বিনা ঘরে আর থাকবে না, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, চারিদিকে বইছে আর উন্নয়নের ঢেউ। আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, ৩ লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন।
ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারা অংশগ্রহণ করুন, আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। গলি গলি মহল্লা সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার। আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েত গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন হবে, প্রতি ঘরে সুশাসন হবে, প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরে গলি গলি সবার মুখে একই বলি, গ্রাম শহরের গলি গলি সবার মুখে একই বলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়ন সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। फुं गाहाम दिन जगह फाइ सफाजा दिल्ली की डॉक्टर आम्बेडकर भवन नरत्न अजागानी आवाम जे ग्राउंड रिपोर्ट खुदना हमें जो सफाजा जे जगह जो दबो ग्रेटर ट्रिपलैंड मूवमेंट जे हास्टी फाइ दिल्ली बरकनी फुआ सिरी सिरी फाइ सफाई बरंगी जे टंगठाई जगह जो दबो फाइ बरक बहाके टंगना नाइबा चालाबा बहाके बरंगी मूवमेंट बहाय खाने जो नाइबा नरंग फुनुना
susu iman chini Ako coba chunjoto ni Nifrasa umabai tini Tikulayo chini kani Aisha iman chunjoto ni सरकार सब सुविधा आधार कार्ड पैन किंबा किसान कार्ड बाकी जा मने रखें सब सुविधा दीते हाथेर काछे प्रशासन सफल सुशासन सफल सुशासन काका की जेटा जेटी भावचो की बेश जिनके द्वारा बहुत सारे चीजों को इशारा किया जाता है साथियों आज हिला देर उन्नति नतून भोर देखो नतून आलो आसछे नतून दिन उन्नयनेर गति जानते होच्छे होच्छे विकाश मीटिंग विकाश हबे घरे घरे बदलाबे सबार जीवन राज्यवासीर उन्नयने हबे प्रति घरे सुशासन प्रति घरे सुशासन प्रति घरे सुशासन पैन कार्ड आधार कार्ड किंबा विधवा भाता पाइबेन सभी हेता पाइबेन सभी हेता मेला बदले छे दिन बदले छे आवा प्रति घर सुशासन सरकारेर चावा जा रोए छे बाकी जनगणेर अधिकार सब पाच्छे कि हबे मेला शिविर विकाश घरे विकाश पोछोगे प्रति घरे विकाश पोछोगे प्रति घरे त्रिपुरार उन्नयन आपनाराओ अंशग्रहण करुन आजके कल करुन 1905 नम्बरे बिना घरे आर थाकबे ना तो केउ बिना घरे आर थाकबे ना तो केउ चारिदिके बोइछे बारुणेर ढेउ पीएम आवास योजनाय पेयेछे पाका बाड़ी
স্বপ্ন পূরণ আপনাদের সহায়তায় আসবে প্রশাসন হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনার অংশগ্রহণ করুন আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে डिफेक्ट किया जा रहा है
और हम लोग का जगह में बहुत जगह में हम लोग का कोई सेफ्टी नहीं है। हम लोग का वहां में स्टेट जो शासन करता था वो लोग हम लोग का त्रिपाशा को इतना निंदा करता था, रिपेक्ट करता था, तो इसलिए हम लोग का वहां में सेफ नहीं है। जगह जगह में हम लोग का कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, स्कूल का व्यवस्था नहीं है, वहां में कोई रास्ता इलेक्ट्रिक सब कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए डिमांड आज करना पड़ रहा है। इसलिए भाइयों बहनों आज दिल्ली वाले को हम बताना चाहता हूँ और भारत सरकार को भी बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हम त्रिपुरा एक छोटा राज्य से हम लोग वहां क्यों आना पड़ा, इतना दूर से बहुत दूर से आने पड़ा, हजारों किलोमीटर है डिस्टेंस, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से छोटा राज्य से है, हम लोग का ये लास्ट फाइट है। आप लोग सोचा हम लोग का डिमांड के बारे में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भारत सरकार से, आज बीजेपी सरकार है सेंट्रल में और सरकार है, जो बीजेपी सरकार वो लोग अगर सोचता है तो वो लोग हम लोग का डिमांड एग्री कर सकते हैं, क्यों नहीं वो लोग हम लोग का डिमांड को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वहां में जो शासन करता था वो बाहर से, इसलिए नहीं चाहता है त्रिपुरा का जो हजारों त्रिपुरा जो इंडिजिनस उन लोग के लिए भलाई के लिए नहीं सोचते हैं, इसे हम लोग इसे इलाका में आना था। तो मेरा तो आप लोग जो त्रिपुरा मीडिया मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा को कवर किया और आप लोग का जो मीडिया पर्सन है वहां का नेशनल मीडिया है, त्रिपुरा में कोई मीडिया चैनल कवर नहीं करते हैं, इसे हम लोग रोज हम लोग का रेप कर मर्डर हो जाए, तीन दिन हम लोग का इसे शोषण करता जा रहा है त्रिपुरा सरकार ने, हम लोग नहीं मिल रहा है, दिन दहाड़े मार जाता है, कोई जस्टिस नहीं मिलता है, इसलिए भारत सरकार चाहिए, मेरा अपील ये है। तो हम लोग का अगर आप लोग हम लोग के बारे में सोचे तो एक सिर्फ एक रास्ता है वो है सेपरेट सीट चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट ये और मेरा बात वही में बताऊ जो तो लोग खुम पाएगा जो तो हम पाएगा पहले पहले क्या हम भाई जब थाना का तंगा डाके चीनी जो तो मानी मैं अब जब मानी मान हमें जब तब चीनी जीएम को सारे सदा कैसे भूपक रहने थाना जो गान सामू और हाथ शासन भूपक रहा लोग मनो जब सुना लगे थम Yeah.
तिप्रा से लोग किस हाल से गुजर रहा है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा पूरे देश को, तिप्रा से लोगों के पास आज कुछ नहीं है। कई एक जमाना थे और महाभारत में आप देखिए महाराजा त्रिलोचन जी का कुछ बातें वहां लिखा गया, हमारे ये बात अच्छा से लिखा था कि महाभारत में युधिष्ठिर जब अपने जीतने के बाद एक यज्ञ किया था उन्होंने, और उस राजसूय यज्ञ में अगर हमारा महाराज त्रिलोचन जी त्रिपुरा से यहां नहीं आता, युधिष्ठिर जी का वो यज्ञ संपूर्ण नहीं होते थे। और मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूं, आज हम तिप्रा से लोग गए वही महाराजा त्रिलोचन जी का जेनरेशन, उनके जो था अपने महाराज लोग उनका ही हम तिप्रा लोग हैं। और आज इतना शासन करने के बाद इन त्रिपुरा वी हैव बिकम माइनॉरिटी। मैं बात फिर से हम लोग कहना चाहूंगा, दिल्ली में जब हम लोग शासन करते थे त्रिपुरा में, हमारा महाराज लोग जब शासन करता था त्रिपुरा, हम नहीं हारते थे, हुसैन शाह को हम हारे थे। और ब्रिटिश लोग जब इंडिया को 200 साल शासन किया था, त्रिपुरा हम स्वाधीन थे, हम कुछ नहीं हारा पाया। लेकिन जब 1949 में इंडिया के साथ हम मर्जर एग्रीमेंट किया, इंडिया में हम आ गया, तब से हमारा हार शुरू हो गया। हम जब 1949 एग्रीमेंट किए थे, हम त्रिपुरा में तब मेजोरिटी था। आज 2022 साल आगे त्रिपुरा से लोग अपने ही राज्य में सिर्फ 30% हो गया। उसका कारण कौन है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है भारत सरकार। आज भारत सरकार को याद दिलाने के लिए आया हम लोग, तिप्रा से लोग थम्स अप हो गए मोदी जी के पास ये विमान रखने के लिए हम लोग आया कि मोदी जी तिप्रा से लोग इतना सहनते सहनते इस मोड़ पे खड़ा है। कोई हिंदी फिल्म का वो गाना याद आ रहा है, उस मोड़ से हम गुजरे हैं जिस मोड़ पर सब लूट जाते हैं। त्रिपुरा से लोग लूट गया है, त्रिपुरा में कुछ बचा नहीं। हम हमारे हम आज आपको ये बात बोलने के लिए आया हूँ, अगर त्रिपुरा से लोगों को अलग स्टेट बना करके उनका रक्षा नहीं किया जाए, बचने का और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई जाति के खिलाफ नहीं है, ये कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। हम मोदी जी बीजेपी भाजपा को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आप लोग पिछले चुनाव में त्रिपुरा में बोले थे आप लोग कि ये त्रिपुरा से लोगों को बचाने के लिए त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल दिया जाएगा।
और ये त्रिप्रसन्न लोग अपने भाषा में बताया को उस खबरों को लिखने के लिए रोमान स्क्रिप्ट चालू किया जाएगा। कहां गया त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल? 5 साल खत्म हो गया, फिर से चुनाव होगा त्रिपुरा में। आज तक टेरिटोरियल काउंसिल का कोई नजर हमको नहीं मिल रहा, और इसके लिए मुझे लोगों को जो वादा किया था आप लोग, उस वादा को फिर से याद करने के लिए त्रिपुरा मोथा जंतर मंतर में सीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठा है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिस भाजपा ने हम लोगों को त्रिपुरा में बोला था रोमान स्क्रिप्ट में आपका कॉक बॉक को लिखा जाएगा, आज वही बीजेपी सरकार त्रिपुरा का वो बोल रहा है रोमान स्क्रिप्ट में नहीं होगा, बंगाली स्क्रिप्ट में होगा। इसके विरोध त्रिपुरा मोथा आंदोलन करेगा, त्रिपुरा मोथा बैंक के हजम नहीं करेगा इस चीज को। आप बोलते हो मोदी जी हम सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, इतना अच्छा लगता है। मोदी जी का घूटना पीछे बार भी मैं बोला था, फिलहाल मेरे पास उतना पैसा नहीं है, इस बार मेरा कुर्ता पिछले बार का जैसा नहीं है, क्योंकि हम 1 साल काउंसिल में बैठने के बाद हमने देखा लास्ट ईयर मोदी जी का बीजेपी सरकार त्रिपुरा में हमको 600 करोड़ रुपए दिया था, इस बार उसको घटा के और कम पैसा दिया, लोगों के लिए काम करने के लिए। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया आपने, 38 साल में हमने देखा त्रिप्रसा के लिए डेवलपमेंट के काम हम वो हमें पैसा। आप बोलते हो मोदी जी हर घर सुशासन त्रिपुरा में, पूरे देश भर में आज पोस्टर है, जहां भी जाओ मोदी का पोस्टर लगा हुआ। हम जानते हैं त्रिपुरा के लोग ये युग में किस से हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं त्रिपुरा में पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी हमारे लिए नहीं है, हर जगह पीने के बंदोबस्त करने के लिए आपने बहुत पूरे राज्य में हर जगह देखिए लोग जहां है वहां पीने के पानी नहीं है, जहां त्रिप्रसन्न लोग नहीं है पानी है। हम लोग बोलते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से यदि चीज हम रक्षा कर सकते हैं वो है ग्रेट त्रिपुरा। जहां जहां त्रिप्रसा लोग है उस जगह को लेकर के हमने तो किसी को कभी नहीं बोला, कोई विकास खन्ना से रूटी इन करके त्रिप्रसा लोगों को दो, कोई चिकन का हड्डी हमको छीन करके कोई देवबर्मा जमात दे दो, ये बात हमने कभी नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं। हमने यही बात बोला कि लोग जहां जाए हमारी इन दी सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अपने क्या कुछ नहीं, त्रिपुरा में एम्स जैसा अस्पताल बनाया जाएगा। आप चिल्ला चिल्ला भाजपा के कार्यकर्ता लोग चिल्ला चिल्ला के बोला दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है, त्रिपुरा में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोला जाएगा। कहा है, मैं मोदी जी को प्रश्न करता हूँ, कहा है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? ये कोई मुफ्त से ये लोग नहीं आया दिया, मुख्यमंत्री कर दिया, वे अपने सुनेगी तो हर होगा उसको गिरने रात के त्रिपुरा से इतना बुराया मोदी जी जब कुछ नहीं सुनते मोदी जी के कान में ये आवाज गूंजना चाहिए, त्रिपुरा चाहिए। चुनाव की बात भी नहीं करना चाहता, चुनाव आएगा और चला जाए, ये बात भी याद रखना है। आज हर घर कोई अपोजिशन पार्टी ना हो इंडिया में मकसद है, हम अपराध नहीं है, लेकिन एक बात ये जानते हम हिंदुस्तानी हम त्रिपुरा हम हिंदुस्तानी है होकर के भी आज बांग्लादेशी लोगों को सब कुछ दिया जाता है त्रिपुरा में, एक जमाने में वो हमारा था, आज वो
मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर। देश को जानना है ये तिब्रासा लोग हिंदुस्तानी है, त्रिलोचन का भंश। ये जो तिब्रासा लोग अपने ही राज्य में आज माइनॉरिटी हो गया, और माइनॉरिटी होने का मतलब यह है आप पॉलिटिकल एक्शन नहीं ले सकते हो। अगर कोई तिब्रासा को हम लोग ये बात बोलना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट देश के साथ खड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हम इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो एक जमाने में यूपी से भारतवर्ष की प्रधानमंत्री होते थे, फिर साउथ इंडिया से हुई, अभी गुजरात से है, और मोदी जी अमित शाह जी दोनों गुजरात से है। इतना अच्छा लगता है पाकिस्तानी लोग जब आके गुजरात में अटैक करता है, इनका दिलों को कितना दर्द होता वो महसूस कर पाते। आज मोदी जी और अमित शाह जी को भी ये दर्द महसूस करना चाहिए, लोग अपने ही राज्य में आज माइनॉरिटी हो गया, उसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है अलग राज्य, वो है गृह गांधी कांग्रेस। इसमें कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूं। आप देखिए दिल्ली में पेड़ पूरे को काटा जाता है तो ग्रीन को यू कैनॉट काट इन एन ए सिंगल ट्री इन दिल्ली, ग्रीन कोट इज देयर। और वहां त्रिपुरा में मनुष्य मानव मैन ह्यूमन बींग बिना खाना बिना पानी उसके लिए कोई अच्छा दवाई नहीं हो तो मर जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और यहाँ एक ट्रीज को भी आप काटा जाएगा सरकार बात करता है। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं आज अपील करता हूँ, आप एक इतिहास लिख दीजिए त्रिपुरा के लिए, एक इतिहास रचाइए, एक इतिहास बनाइए, आप बना सकते, आपके पास सब कुछ है, एमपी से राज्यसभा में है, लोकसभा में हर जगह में है, आपका मेजोरिटी है, आप जो चाहते हो आप वो बना सकते हो। लेकिन हमारा ये कभी इस तरीका से ना सोचे कोई कि कोई बंगाली के खिलाफ बोल रहा, कोई बंगाली के खिलाफ बोल रहा, नहीं बोल रहा, आपने अधिकार मांग रहा हूं उससे, अपने सबको अपने अधिकार मिलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाएगा तिब्रासा लोग गई नहीं त्रिपुरा। हम बोलना चाहते तिब्रासा लोग पहले बंगाली नहीं बोलता था, आज 99% तिब्रासा लोग बंगाली बोल सकता, उसका कारण क्या है, क्योंकि बांग्लादेश से लोग आगे रहता है बांग्ला बोलता, ऐसा ना हो पूरे नॉर्थ ईस्ट में कल कोई नागा बंगाली में बात करेगा, कल कोई मिजो बात करेगा, बात करते करते दिल्ली तक पहुंच जाएगा, कल कैप्टन विकास करना जैसे लोग बांग्ला ही बोलेगा, तब ये देश का अपना असलियत नहीं रहेगा। मैं यही बात को ज्यादा बड़ी लगा हूं कि ऐसा हो रहा है त्रिपुरा से पूरे बांग्लादेश, वहां से लोग आते आते आज त्रिपुरा में जागा है ही नहीं। भारत सरकार को हमारे तरफ से अपील है, वी नो आज इंटेलिजेंट एजेंसी यू आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट दिस दीपा मोथा इज डूइंग इन जंतर मंतर। दीपा मोथा इज ओनली आस्किंग फॉर स्टे वोट, दी डिमांड इज रिटर्न डिपार्टमेंट, वी आर नॉट आस्किंग सेपरेट कंट्री, वी आर ओनली आस्किंग सेपरेट स्टे। ये बात को भी समझना चाहिए, हम कोई अलग राष्ट्र नहीं मांग रहा है, हम मांग रहे हैं सिर्फ एक अलग राज्य होने के लिए। आज तिब्रासा लोगों के लिए त्रिपुरा में हमारे काउंसिल बोलिए और काउंसिल के बाहर भी बोलिए, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जिन लोगों ने आगे त्रिपुरा से दिल्ली को रिपोर्ट देता उसने तो दिखाया इंटरनेट पे, हर जगह डेवलप होंगे, हीरा युग में है हम, कुछ नहीं हुआ। त्रिपुरा में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे रात को सोते हैं, उसके लिए मोदी जी को फिर से हम याद दिलाना चाहते, मोदी जी हम सब आगे बढ़ेंगे, जब त्रिपुरासा लोगों को बेटा त्रिपुरा मिलेंगे तब हम सभी के देश को आगे बढ़ाएंगे, जब हमारा अपना
अपने भी स्थिति अच्छा नहीं है तब हम देखते हमारे ही वजूद हमारे ही कंट्रोल हमारे ही कुछ नहीं चल रहा उधर हमारा जब चलेगा हमारा जब होगा तब के लिए और अच्छा सोच सकता है मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ऑल आवर वॉरियर्स दे ट्रैवल फ्रॉम त्रिपुरा टू दिल्ली सब थके हुए हैं अब फिर से हम लोग अगेन विल सी फॉर अनदर सिक्स आवर्स शेयरिंग द सेम प्लेस कल भी हम धरने में बैठेंगे मांग को लेकर के कि ग्रेटर दीपालयम होना है ग्रेटर दीपालयम जब तक नहीं देगा दीपासा लोग खानसा रहेगा और हम दिखाएंगे खानसा के ताले का ये कोई ज्यादा बनी नहीं दीपासा लोग जीतते थे पहले लूट दे गए दीपासा लोग को खरीदता था अखबार में छपवाया जाता है छह एमडीसी चला जाएगा बीजेपी में पांच एमडीसी चला जाएगा कांग्रेस में हम लोग पहले बोल सकता है कोई दीपासा को लूट के बदले में और खरीद नहीं पाता हमारा मांग है कि ग्रेटर दीपालयम होना है हम हिंदुस्तानी है भारत के साथ हम भारतीय है हम इंडियन है हम हिंदुस्तानी आप कुछ भी लैंग्वेज भारत दीपासा हिंदुस्तानी है भारत हमारा देश है हमें हमें अधिकार मिलना है थैंक यू सो मच ये बात करके मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा छोटा सा आलोचना से मोदी जी को याद दिलाने का जो बातचीत मेरे ख्याल में इतना मोदी जी इतना सुनते नहीं है मोदी जी इतना सुनते नहीं है मैं जी बोलता हूँ आपको मोदी दो आदमी को बुलाया था इंटरव्यू के लिए एक आदमी क्लरिकल के लिए किया क्लरिकल पोस्ट के लिए उसको एक घंटा बिठा के इंटरव्यू लिया था और जब कोई पोस्ट लिए गया था वो सिर्फ एक ही मिनट में उसका इंटरव्यू खत्म हो गया बाद में जिन लोगों ने इंटरव्यू लिए इनको पूछा गया कि भाई ये किस इंटरव्यू है जो है उसको एक घंटा इंटरव्यू लिया आपने और जो चेयरमैन लिए गया था उसको सिर्फ एक मिनट में आप छोड़ दिया बोलता भाई देखो जो चेयरमैन बनता है नहीं करता वो सिर्फ सिग्नेचर मारता बस खत्म एक मिनट में सिग्नेचर और खत्म और इस प्रकार से मोदी जी भी ज्यादा सुनते नहीं है मोदी जी सब समझता है क्योंकि मोदी जी जब त्रिपुरा में जाता है तो वहां पर बात करता है कोई त्रिपुरा के मंत्री में नहीं बात करता लेकिन देश का प्रधानमंत्री त्रिपुरा के बात करता है हम मोदी जी को सम्मान करते हैं हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं आप लोग हम दीपासा लोग ये मत सोचिए मोदी जी दीपासा को नहीं जानते मोदी जी दीपासा को जानता है और मेरा विश्वास है मोदी जी ग्रेटर दीपालयम बनाएंगे एक दिन बनाएगा जो भी नवी ज्यादा दूर नहीं वो भी नवी ज्यादा दूर नहीं जिस त्रिपुरा में नहीं जाएंगे ग्रेटर दीपालयम में जाएंगे मोदी जी दीपालयम में जाएंगे और हम सब त्रिपुरासा लोग मोदी जी का पहन के उनको हम लोग वेलकम करेंगे एयरपोर्ट में वो हमारा भी विक्रम एयरपोर्ट होगा वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मैं तो मानता हूँ आप लोग हम सब लोग दिल्ली में आया और मोदी जी को अभी प्यार होने लगेगा मोदी जी इन सबसे बहुत प्यार करता है आप देखिए सब भाषण देता है मोदी जी बोलते रहते मेरा दिल मेरा तन मेरा मन वर्गों के साथ है तो हम क्या आगे वाला भाग हम भी पीछे वाला और मोदी जी डेफिनेटली लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे वो कुछ ना कुछ नहीं ग्रेटर दीपालयम करेंगे और हम वादा करते हैं मोदी जी को हम वादा करते हैं ग्रेटर दीपालयम के हर सब डिविजन मोदी जी का स्टेचू बनाया जाएगा और मोदी जी का स्टेचू हम लगाएंगे क्योंकि मोदी जी ही दीपासा के अधिकार को फिर से दीपासा के हाथ में दिया आप देखिए मेरा तो बाकी लोगों का विश्वास हो गया था मैं अनिमेश जयवर्मा मेरा तो पूरे विश्वास है मोदी वैसा लीडर
भारतवर्ष में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री हुए, लेकिन मोदी जी अलग है। मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर है। अमेरिका में स्वागत किया जाता है मोदी जी के लिए, यूके में स्वागत किया जाता है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, स्ट्रांग लीडर है, स्ट्रांग लीडर है। इतना ही इच्छा मेरा चेस्ट कुछ दिन पहले 41 इंच करके बोला, मोदी जी का 56 इंच का सीने के लिए जागा जरूर जागा। मोदी जी ग्रेटर की प्रॉब्लम जरूर देंगे, लेकिन मोदी जी को याद दिलाते रहना पड़ेगा। इसलिए जो लोग बोलता है भाई पिछले बार गया था, इस बार भी जाएंगे हम लोग, दो बार में ग्रेटर दीपावली मिलेंगी क्या? नहीं भी मिल सकता है। ये हमारा काम है, ये प्रशासन लोगों को काम है। हमको मोदी जी को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमें ग्रेटर दीपावली चाहिए। और एक दिन मोदी जी अपने रूप में जब पार्लियामेंट में खड़े होके देश को संबोधन करेंगे कि हम कितना भाई दे ही दिया ग्रेटर दीपावली, उस दिन हमारा जीत होगी, हमारा जीत होगी। देखो भाई, हमसे कोई भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं, कांग्रेस हमारे कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी पार्लियामेंट आके दीपावली लोगों के लिए बात कर सकता। जब तेलंगाना स्टेट बनाया गया था तो भाजपा ऑपोजिशन में होकर के भी तेलंगाना के लिए उन्होंने भी बात किया था। राहुल गांधी जी है, बहुत सारे कांग्रेस के एमपी है, आप लोग भी पार्लियामेंट में जा करके जब मोदी जी बोलेंगे किसी को एतराज से दीपावली के बारे में, कांग्रेस सांसद को भी बोलना चाहिए हमको कोई एतराज नहीं है, दीपावली जल्द से जल्द हो। तब ही अब हम जाते रहे थे सारे जहां से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम आज वही खड़ा फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलना चाहे सारे जहां से, अच्छा दीपावली हमारा और ग्रेटर दीपावली हमारा चाहिए, ग्रेटर दीपावली मिलना चाहिए। जब ग्रेटर दीपावली होगा आप लोग देखिएगा अमित शाह जी और मोदी जी का पूरा स्टेचू मायावती जी लेकर हाथी बनाया था। हम मदद करते सरदार पटेल की जो स्टेचू है उससे दो गुना स्टेचू मोदी जी का बनाया जाएगा। लेकिन और भी मदद करता हूँ, अगर ग्रेटर दीपावली होगा मोदी जी को बारिश के दिन में भी हम बिगड़े नहीं देंगे, उनको हम सुरक्षित रखेंगे। और भी वादा करता हूँ, मोदी जी को हम रात के अंधेरे में दिखाई देना चाहिए। मोदी जी के लिए हम लोग घर पे खाने के लिए बुलाए तो हम
स्कूलों को खरीदना था, अखबार में छपवाया जाए, एमडीसी चला जाएगा, एमडीसी चला जाएगा। कांग्रेस में हम लोग चैलेंज के हिला दी राज्य रघुपति शशहाय बोलेर जन्य पाल्टाबे परिस्थिति एई बोल सुविधा 3 लाख महिला